आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सहयोगीता रावत। बड़वानी जिले के ठीकरी में विधानसभा राजपुर के विधायक श्री बाला बच्चन के होम मिनिस्टर के साथ जेल विभाग व मुख्यमंत्री से संबद्ध मिलने के बाद बड़वानी जिले के आमजन व कांग्रेस कार्यकर्ता में जबरदस्त खुशी का माहौल है। पहली बार बड़वानी जिले में किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है के बाद जिले में प्रथम आगमन के दौरान ठीकरी में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा समर्थित ठीकरी सरपंच व उप सरपंच सहित 20 लोग भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल। जगह जगह मंच पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस की सरकार में योजनाओं का लाभ अंतिम सिरे तक मिलेगा। किसी भी आम जनता के साथ यदि कोई भेदभाव करता है तो वह बर्दाश्त नहीं होगा। हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। सरकारी योजनाओं लाभ हर आम व्यक्ति को मिलना चाहिए। उक्त बात नवनिर्वाचित विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन ने ठीक कि आम सभा में कही। उन्होंने बताया कि भाजपा के बहकावे में नए कैबिनेट स्तर पर तय हो चुका है कि हम 31 मार्च तक नहीं बल्कि 31 दिसंबर तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वह भी प्रत्येक किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। इसके अलावा गरीब परिवार को शादी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें 51,000 रुपये दिए जाएंगे, उससे वह अपने बच्चों की शादी का खर्च कैसे करना है तय कर सकेंगे। भाजपा की तरह योजना में भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन ने भाजपा में होने वाले भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया एवं बताया कि हमारी सरकार की प्राथमिकता मूल रूप से विकास है और इस पर हम कार्य करेंगे। इस दौर नठीकरी में कॉलेज की आवश्यकता होने की भी बात उन्होंने कही एवं जल्द ही कॉलेज की सौगात देने संबंधी बात बताई। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश चौहान ने शिक्षा स्वास्थ्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने एवं क्षेत्र के विकास हेतु सभी जनता को आश्वासन दिया। शुक्रवार को नगर में कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन का प्रथम आगमन हुआ। इस दौरान ठीकरी ग्राम पंचायत के सरपंच राधा देवी खन्ना एवं उस उप सरपंच लक्ष्मी टेमच ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस जोड़ी। इसके अलावा पूर्व उप सरपंच मोती लाल खन्ना एवं उनके साथ कई वार्ड के पंच भी कांग्रेस में शामिल हुए। पिपरी में कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश चौहान का तुलादान किया गया। कार्यक्रम ठीकरी कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुमित जायसवाल ने ठीकरी की आम जनता का आभार व्यक्त किया। ठीकरी से आरपीटीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। अभी इसके बाद लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद में आ जाएंगे। आप सबका जिस तरह से आप लोगों ने बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में पहुंचकर जो जोश खरोश और उत्साह जो दिखाया है, ऐसा ही आप लोगों ने वोट भी डाला है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके जोश खरोश उत्साह और आपकी उमंग और अच्छी आपकी जो इच्छा और आप जो चाहते हो उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस बात का ध्यान रखना, सरकार बन जा चुकी है, मंत्रिमंडल बन जा चुका है और उसके बाद अब जो है कहीं बात नहीं है। अब तो केना मध्य प्रदेश में हाथ के पंजे की सरकार और हाथ के पंजे वाला मुख्यमंत्री बन चुका है। पूरा पूरा कर्जा माफ करेंगे। ध्यान रखना जो हमने आपको जो बोला है, इससे संबंधित भी अगर कई जगह की कोई बात आती है तो आप हमको ये बताना, ठीक। ये वचन पत्रों पे हमने काम करना शुरू कर दिया, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा सुनो, हमारे वचन पत्र में ये भी एक बात थी कि अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में केवल 25,000 मिलते थे और उसमें ढिंडोरा इतना पीटा जाता था, नकली चीजें इतनी दी जाती थी, गले में पहनने का नकली, पैरों में पहनने का नकली, 30-30 रुपए की घड़ी और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन को जो सामग्री दी जाती थी उसमें कितना भ्रष्टाचार होता था। अब हमने इसमें निर्णय किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने फैसला कर लिया है कि जो भी अब आप अपने सरपंच वर्तमान के पंचगण सब पूरे पूरे भाजपा छोड़कर जो कांग्रेस में आए हैं उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास ये रखी है। राधा देवी, मोतीलाल खन्ना जी है, लक्ष्मी बाई।